राष्ट्रपति पंजाब श्री बलबीर सिद्धू जी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस शासित एवं समर्थित सरकारों से 4 स्वास्थ्य मंत्रियों को आमंत्रित किया है जिन्होंने पूरे कोरोना काल में बेहतरीन काम किया। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ आदरणीय टी एस सिंहदेव साहब, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान श्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब श्री बलबीर सिद्धू जी एवं झारखंड मेरे गृह राज्य से श्री बन्ना गुप्ता जी। मित्रों, उड़ीसा जहां लगभग पिछले 21 वर्षों से बीजेपी के मित्र दल, मैं कहूंगा बीजू जनता दल का शासन है, वहां एक जिला है कालाहांडी, हम सब भलीभांति परिचित हैं। कई वर्षों तक उसका जो है देश के सबसे पिछड़े इलाकों में उसकी गिनती होती थी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आधुनिक सभ्यता से दूर, शहरीकरण से बहुत दूर। वहां पिछले गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, सरकार ने टेस्ट करवाया, लगभग 1,269 लोगों का टेस्ट कराया गया और 682 लोग पॉजिटिव सामने आए। अर्थात टेस्ट पॉजिटिव रेट देखें तो लगभग 53.74%, जो कि सब मेरे ख्याल से सबसे अधिक है देश में। हम और आप हमारे आसपास जानते हैं, जो लोग खास करके ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कि खास करके बिहार और यूपी के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण ने पैर पसार लिया है, फैल गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का कल ये कहना कि गांव तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना है, प्रश्न उठता है कि क्या प्रधानमंत्री बिल्कुल ही क्लूलेस है, खास करके जब 18 घंटे तक काम करने का दावा करें प्रधानमंत्री जी, तो जाहिर है कि वो चुप नहीं बैठे हैं, वो अपने ढंग से जबरदस्त कदम उठा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कल ही केंद्र सरकार ने आदेश देकर सोशल मीडिया के 50 पोस्ट हटवा दिए, ऐसे पोस्ट जिनमें दवाइयों की कमी, अस्पताल में बेड्स, सामूहिक अंत्येष्टि आदि का जिक्र था, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, ये पोस्ट इंडिया में नहीं दिखेंगे। आशा है इससे कोरोना संक्रमण पर रोक लगेगा। पर इस दिशा में इससे भी कठिन प्रयास देश के एक और बड़े राज्य ने किया, इनफैक्ट सबसे बड़ा राज्य, उसके मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने किया। उन्होंने आदेश दिया है कि कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी या दवाई की किल्लत की बात का प्रोपागंडा करता है, रूमर फैलाकर वातावरण को दूषित करता है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जब्त कर ली जाए। कबीर का एक दोहा याद आता है ऐसे मौके पर, कि करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए, अपने किए का हमें भुगतना पड़ता है। वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने के लिए और भाजपा के दुष्प्रचार को, उसकी कलई को खोलने के लिए हमने आज आमंत्रित किया अपने स्वास्थ्य मंत्रियों को। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले आदरणीय श्री टी एस सिंहदेव साहब का कि वो आपको ब्रीफ करें, क्या है वास्तविक जमीन पर, कैसी रही केंद्र सरकार की भूमिका और क्या अपेक्षाएं हैं उनकी। उसके बाद रघु शर्मा जी, फिर सिद्धू साहब और फिर बन्ना गुप्ता जी। ओवर टू यू देव साहब। देव साहब सर ड्रॉप हो गए थे, वापस उन्होंने भी ज्वाइन किया सर, अभी कर रहे हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद, ही इज जस्ट जॉइनिंग बैक। We had lost you, I think. Yes, sir. You're back. We finished the introduction. It's over to you, sir. You can start. Hindi or English? हाँ, आप जैसे सूट करें, mix करके बोलिए। COVID महामारी के दूसरी लहर का सामना देश भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी कर रहा है, और बड़ी तीव्रता का ये सुनामी सा आया है, जहां पिछली बारी से 4 गुना से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो पॉजिटिविटी का दर है वो लगभग 30% के आसपास पिछले 10-12 दिन से चल रहा है। ये इसी में संतोष हम कर सकते हैं कि बढ़ा नहीं है, लेकिन एक प्लेटू, हाई प्लेटू 30% के आसपास के पॉजिटिविटी का छत्तीसगढ़ में चल रहा है, हमको लॉकडाउन करना पड़ा है। इस दरमियान वैक्सीनेशन की भी बात, टेस्टिंग की भी बात, उपचार की भी बात, लोगों में स्व अनुशासन
ये प्रेरणा जागृत करने की बात, ये हर स्तर पे सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है और दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी। बजट में 30,000 करोड़ केंद्र के रखने के बावजूद और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया इस टूटती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाए। और उतना ही नहीं, रेट अलग अलग, केंद्र सरकार को 150 में मिलेगा, राज्य सरकारों को 400 में मिलेगा, आम नागरिक अगर खरीद के लगाना चाहे तो 600 में मिलेगा। कोवैक्सीन को लेके कहें, जो हमारे देश में निर्मित वैक्सीन है उसके भाव 600 कर दिए गए एक वैक्सीन के, ये कह के कि R&D में ये राशि लगाई जाएगी। तो क्या केंद्र की सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगाती, अपने उपक्रमों को पैसे नहीं देती? वैक्सीन के विस्तार के लिए पैसे देने के बाद जब केंद्र सरकार 4,100 करोड़ दी है इस बाबत की वैक्सीन की फैसिलिटीज बढ़े, तो दाम क्यों बढ़ने चाहिए और उसका भार राज्य के अर्थव्यवस्था पे, राज्य के बजट पे क्यों पड़ना चाहिए? ये मूल प्रश्न है। इस दरमियान राज्य ने अपने तरफ से जितना बन सका है प्रयास किया है। 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार ने राहुल जी की उपस्थिति में शपथ ली थी और उस समय अगर राज्य में ICU के बिस्तर देखें मार्च 2020 में तो 53 थे, इनको बढ़ा के हमने 554 किया। HDU बेड बिस्तर 20 थे, इनको इस दरमियान बढ़ा के हमने 504 किया। ऑक्सीजन युक्त बिस्तर कोविड के लिए एक भी उपलब्ध नहीं थे, वर्तमान में इसको बढ़ा के हमने 6,310 किया। कुल बिस्तर जहां पहले 500 लगभग उपलब्ध थे, इनको बढ़ा के हमने 21,565 किया। वेंटिलेटर जो हमारे पास कोविड के लिए 35 उपलब्ध थे, आज 526 हैं। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जितना बना इन व्यवस्थाओं को बढ़ाया। इनमें कुछ वेंटिलेटर केंद्र सरकार की तरफ से आए बीच में, अन्यथा कोई सहयोग नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए और उसका अनुमान लगाते हुए दूसरा लहर आए इसके पहले ही सितंबर महीने में हमने अपने स्वास्थ्य के सेवा के प्रतिष्ठानों में ऑक्सीजन जनरेटिंग यूनिट्स स्थापित करने का निर्णय लिया और नवंबर से ये काम चालू हो गया था। करीब 25.79 मिलियन लीटर, करीब 3,685 जंबो सिलेंडर के बराबर प्रतिदिन के हमने ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी राज्य में निर्मित की। और ये कोविड की ये दूसरी लहर आने के काफी पहले, जब इसकी बात प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने तो जंग जीत ली और कोविड चला गया पीछे, फिर भी विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की ध्यान में रखते हुए कि फिर से ड्रॉप हो गए वो जी सर, सिग्नल ड्रॉप हो गया। He's dropped out, sir. He's come back again. Unmute करें। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाने के लाइसेंस हमने दिए और आज छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। प्रत्येक दिन 388.87 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा है, जिसमें करीब 250 लिक्विड ऑक्सीजन है और हमारी खपत जो 3.72 मार्च के शुरुआती में 1 मार्च 2021 में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की खपत मेडिकल प्रतिष्ठानों में 3.72 मेट्रिक टन थी, इसको बढ़ा के आज हमारे यहाँ जरूरत पड़ रही है 170-180 मेट्रिक टन की। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में सरप्लस है और यदि टैंकर्स उपलब्ध हो तो छत्तीसगढ़ ने ये निर्णय भी लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात हुई है
टैंकर्स अगर आए तो हम देश के अन्य राज्यों को सहयोग करने को तैयार हैं, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अन्य राज्य हो, छत्तीसगढ़ उसके लिए भी तैयार है। इस बाबत भी केंद्र सरकार की ओर से ना तो ऑक्सीजन बढ़ाने की व्यवस्था में कोई पहल की गई, वैक्सीनेशनों को विकेंद्रित करके दाम बढ़ाने की व्यवस्था बना दी गई, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में कहीं कोई टैंकर उपलब्ध कराने की उन्होंने पहल नहीं की है। इन परिस्थितियों में हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। 1 मई से जो 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगनी है उसके बाबत भी केंद्र सरकार से चर्चा हो रही है। हमने जो प्राथमिकताएं तय की हैं कैसे वो कोविन पोर्टल पे चढ़ पाएगा, केंद्र सरकार सहमति फिर असहमति, इसी दौर से क्रम गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन के संदर्भ में, 7 करोड़ वैक्सीन अगर देश में निर्मित हो रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिला के, इनमें 3.5 करोड़ तो केंद्र की सरकार ले लेगी। इसको वैक्सीन करने के लिए देश की करीब 20% आबादी जो 45 साल से ऊपर की है, और 18 से 45 साल की आयु वर्ग की जो हमारी आबादी 35 से 40% की अगर हम मानते हैं, उनके लिए आधी कैपेसिटी यानी केवल 3.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखिए स्थिति क्या बन रही है, मैंने सुना कि असम ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया वैक्सीन का, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है, ना केवल असंतुलित और अस्वीकार रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। इन अव्यवस्थाओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से जितना बन पा रहा है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य विभाग का अमला इसको भी बढ़ा के समय अनुकूल मानकों के आधार पे लगातार हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, और विश्वास है हमको कि कोविड के इस दौर को हम पार करेंगे, और प्रयास यही रहेगा कि कम से कम नागरिकों के जीवन की हानि हो सके। धन्यवाद सर, मैं आग्रह करूंगा रघु शर्मा जी से। देखिए पूरा देश कोरोना की दूसरी वेव का सामना कर रहा है। पहली वेव जब आई थी ना तो राज्यों के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना टेस्टिंग कैपेसिटी थी, लेकिन फिर भी एक दिन में राजस्थान की जहां मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक पॉजिटिव केसेस 3,200 के करीब आए, और कंट्री में भी 97,000 आए। जो मृत्यु थी वो मैक्सिमम 20 थी। ग्रामीण इलाकों में ये संक्रमण पहले दौर में ज्यादा नहीं था, अब स्थितियां पलटी हुई है। अब पर डे हमारे यहाँ केसेस आ रहे हैं 15,000 के आसपास, और पर डे मृत्यु पिछले अप्रैल में 1 अप्रैल से लेके अगर 24 अप्रैल की बात करें तो करीब 600 लोगों की मृत्यु हुई है, जहां मार्च में सिर्फ 31 लोगों की मृत्यु हुई। तो मृत्यु का दर भी इस सेकेंड वेव के अंदर बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 30% गांव में ये संक्रमण पहुंच गया है, चाहे इसको कुंभ की वजह से मान लें, चाहे जो राज्य जहां ज्यादा संक्रमण है वहां से जो लोग लौट लौट के अपने गाँव में आ रहे हैं प्रवासी राजस्थानी, कारण कुछ भी हो लेकिन इस बार राजस्थान के गांव के अंदर भी ये संक्रमण पहुंचा है। हमारे एक्टिव केसेस अभी 1,27,000 के करीब है। पॉजिटिविटी का परसेंटेज भी 6% हो गया है जो पहले नहीं था, और रिकवरी रेट भी हमारी रिड्यूस हुई है, जहां 98.60% थी उससे 73.60 हो गई। मृत्यु दर जरूर राजस्थान में नियंत्रित है, वो है 0.70%। अब ऐसी परिस्थिति में जैसा सिंहदेव साहब कह रहे थे, 3 हथियार हैं इस महामारी के लड़ने के लिए। हमने अपने स्तर पे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 थी 11 मार्च को पिछली बार जब पॉजिटिव पहला केस आया राजस्थान में, तब से लेके अब तक हमने हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को
86,000 पर डे टेस्ट करने की बनाई है और टारगेट है कि हम 1,00,000 को पूरा कर लेंगे। और राजस्थान फॉर्चुनेटली उन स्टेट्स में से है जो सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट ही कर रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट। हम दूसरा कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं और अभी हम टेस्टिंग हमने बढ़ा दी, करीब 81,000 टेस्ट पर डे हम लोग कर रहे हैं। और सवाल ये है कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है हमारे 14,400 के करीब, हमारे पास आईसीयू के बेड हैं करीब 4,500, हमारे वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड भी 2,000 से ज्यादा है। ये सुविधाएं पहले नहीं थी हमारे पास। आज हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है राजस्थान के अंदर, 67 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की है राजस्थान के अंदर। अब जरूरत है क्योंकि वैक्सीनेशन में भी हम लोग नंबर वन थे, 1,08,00,000 से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके थे। अभी तो ये आंकड़ा 1,22,000 22,500 के करीब है, 1,22,00,000। लेकिन सवाल ये कि टोटल वैक्सीन जो हमको उपलब्ध की गई, पहले हेल्थ केयर वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 60 साल के ऊपर के लोग, फिर 45 से 59 साल के बीच के लोग जो कोमोरबिड थे उनकी कैटेगरी तय की गई, उनमें हमने फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लगाई, कईयों को फर्स्ट डोज लगी और फिर उसके बाद भारत सरकार ने 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने का फैसला किया। हमें टोटल अब तक 1,36,57,000 वैक्सीन मिली है, उसमें से 2,15,000 तो आर्मी को दे दी हमने। बची हुई वैक्सीन में करीब 3% वेस्टेज है, 10% तो भारत सरकार की तरफ से अनुमत है ये वेस्टेज हो सकता है। हमारा वेस्टेज 3% है और हमने 1,22,43,000 लोगों को वैक्सीन दे दी। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी शानदार है, 3 स्टोरेज सेंटर हमने कैपिटल के अंदर जयपुर में बनाए, 7 डिविजनल मुख्यालय पे भी स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की है, 34 डिस्ट्रिक्ट हमारे उनमें हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की है, 2,444 कोल्ड चेन पॉइंट डेवलप किए हैं और जो साइट्स है जहाँ पे वैक्सीनेट किया जाता है वो भी प्रॉपर मात्रा में हमने डेवलप की और हर जिले पे एक वैक्सीन को कैरी करने के लिए एक वैन परमानेंट हमने रख दी। अब एक टाइम ऐसा आ गया था जब एक दिन में हमने 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया और हमारी कैपेसिटी 7,00,000 लोगों को वैक्सीनेट करने की है पर डे। अब सवाल ये है कि 45 साल से ऊपर के लोग, राजस्थान में 2,09,00,000 है, इन सारे लोगों को अगर 7,00,000 डोज पर डे हम दें तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, फिर हमने भारत सरकार को कहा 1,00,000 वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10,00,000 भेजी, फिर 4,00,000 भेजी। इस ढंग से आज हमारे पास जो स्टेट में अलग अलग जिला चिकित्सालय है वहाँ करीब 7,00,000 वैक्सीन है और हमारे जो कैपिटल में स्टोरेज का सेंटर है वहाँ 1,00,000 वैक्सीन है, टोटल 8,00,000 वैक्सीन है। अब उस कैटेगरी के लोगों को जो बचे हुए हैं उनको जब तक वैक्सीन प्रॉपर नहीं मिलेगी उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। सेकेंडली अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा 18 साल से 45 साल के लोगों को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी। तो पहली बात तो जैसे सिंहदेव साहब ने कहा कि देश में 2 तरह की वैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है उन्होंने अपनी कीमतें तय की 150 रुपये में भारत सरकार को, 400 रुपये में राज्य सरकार को और प्राइवेट अगर कोई लेगा तो 600 रुपये को। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है उसने अपनी रेट तय की, उसने कहा 600 रुपये में सरकारों को देंगे, राज्य सरकारों को, वो 1,200 रुपये प्राइवेट से लेंगे। अब इतनी भ्रांतियां कीमतों को लेके है, एक वन नेशन वन प्राइस, अगर ये बात भी इंश्योर की जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। हमने फिर भी पता किया कि 1 मई से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो राज्य में वैक्सीनेट करने का दौर शुरू करना है हमको, तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो पहले के हमको ऑर्डर्स दे रखे हैं 15 मई तक तो हम उन ऑर्डर्स को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको वैक्सीन कहाँ से दें। तो अब हमारे सामने सवाल ये उठ रहा है 1 मई से जो 18 साल से 45 साल के
3 करोड़ 13 लाख लोग हैं हमारे, उनको कैसे वैक्सीनेट करें। अब दूसरी बात आती है ऑक्सीजन की। अब आप बताइए ऑक्सीजन के एलोकेशन में भारत सरकार ने जिस तरह की नीति अपनाई है, हमारा उसके प्रति ऑब्जेक्शन भी है, शिकायत भी है। हमारे एक्टिव केस मैंने बताया आपको 1,27,000 एक्टिव केस, और हमें ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है 140 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। गुजरात में 1,00,000 एक्टिव केस है और उनको 927 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है। सारे राज्यों में मध्य प्रदेश को एक्टिव केस है 89,000, लिक्विड ऑक्सीजन 583 एमटी। ये जो स्थितियां बनी है, जहां जहां आज हमारी सबसे बुरी स्थिति हो रही है, बेड हम 1,00,000 कर लेंगे डेवलप, 2,00,000 कर लेंगे, 3,00,000 कर लेंगे, अभी हमने एक सेंटर 5,000 बेड का डेवलप किया है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। ऑक्सीजन की हमारी खपत 250 एमटी की तो अभी है, और 30 अप्रैल आते आते हमारी ऑक्सीजन की खपत 350 एमटी के करीब हो जाएगी रिक्वायरमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो टैंकर भी 23 हैं, जिनकी कैपेसिटी भी किसी की 4 एमटी है, किसी की 5 एमटी है। हमें 6 टैंकर आज की तारीख में 30 एमटी की कैपेसिटी वाले चाहिए, ताकि हम टाइमली जो 140 एमटी ऑक्सीजन भारत सरकार ने अलॉट करने का निश्चय किया है, 100 एमटी तो हमारी आईएमएक्स है भिवाड़ी के अंदर उससे, और 40 एमटी जामनगर से, ये ऑक्सीजन भी हम अपने राज्य में लेके आ जाएं तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। अभी एक हल्ला मच गया है कि बिना रेमडेसिविर के कोई बचेगा नहीं। अब आप बताइए कि हमने 1,75,000 रेमडेसिविर की बुकिंग की, रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया माइलन से, सिप्ला से, कैडिला से, हमें वो सप्लाई देने में उन्होंने मना कर दिया। फिर भारत सरकार ने अलॉटमेंट किया रेमडेसिविर इंजेक्शन का, तो पहले तो हमको 1,27,000 एक्टिव केस के अगेंस्ट में 26,500 दिए। फिर जब कल हमारे अधिकारियों ने उनसे फिर बात की कि रेमडेसिविर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत डिमांड है, सरकारी अस्पताल में भी है, कल उन्होंने 67,000 किया, मिल नहीं रही है, मिल 5,000 के करीब आ रही है पर डे। अब ये अलॉटमेंट इसमें भी गुजरात के, मैंने कहा 1,00,000 केसेस हैं, वहां रेमडेसिविर 1,63,000, और बाकी राज्यों में मध्य प्रदेश के अंदर भी रेमडेसिविर का अलॉटमेंट 95,000। ये जो डिस्पेरिटी, ये डिफरेंस है अलॉटमेंट में, मैं समझता हूँ मेहरबानी करके महामारी के इस दौर में बचना चाहिए इससे। सब प्रदेश की जनता, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, देश के भारत सरकार के पैमाने पर इन राज्यों की, हमारे को मांग ये है कि एक्टिव केसेस के मुकाबले गैस का अलॉटमेंट करो, एक्टिव केस को देख के रेमडेसिविर इंजेक्शन का अलॉटमेंट करो, और उसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि भारत सरकार ही जानती है कि दोनों कंपनियां कितना इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कितनी वैक्सीन ये राज्यों को प्रोवाइड कर देगी, ताकि उसी हिसाब से राज्य अपनी स्ट्रेटजी बना ले। ये इश्यूज हमारे सामने हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रघु शर्मा जी। मैं आग्रह करूंगा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू जी से। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने जो सिस्टम स्टार्ट किया है बीसी वाला, ये बड़ा अच्छा हुआ है कि पूरे जो हमारे स्टेट है, जो हमारे खासकर कांग्रेस पार्टी जहाँ पे रूलिंग कर रही है, उनकी बातचीत आपस में होती है तो काफी चीजों का पता चलता है। जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे डिस्पैरिटी है सप्लाई में और डिस्ट्रीब्यूशन में, ये बड़ी गलत बात है। ये हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लगता है भी जैसे मतरेई माँ वाला सलूक जो हमारे साथ जो स्टेट कांग्रेस वाली के साथ कर रही है, शायद उनको ये भी नहीं मालूम कि जहाँ उनकी रूलिंग है वहां भी हमारे अपने कांग्रेस के वर्कर है, जहाँ हमारे पास जो सरकार है वहां बीजेपी के वर्कर भी है और दूसरी पार्टी के वर्कर भी है। इंसानियत सबसे पहले है, और हमारा पंजाब का जो फलसफा है, जो हमारा सिख
काम का मैं खास करना चाहता हूँ कि हमने पूरे देश के लिए पहले 50% जो फूड पूल में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो एक रिकॉर्ड है और बकायदा पूरे विश्व के विच कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हमारी जो कम्युनिटी है फ्रंट लाइन पे आके उनको सबकी सेवा के लिए आगे आती है। तो हुण पंजाब के जो हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑक्सीजन है लोगों को जैसे लंगर लगाते हैं ऐसे लगाना शुरू कर दिया, चाहे दिल्ली हो चाहे गाजियाबाद हो चाहे हर जगह पे। और इस तो अलावा जो और बगैर किसी बिचकरे से लोग दिल्ली से आ रहे हैं कोई और स्टेट से आ रहे हैं उनको सबको जो हमारे पास कोरोना पीड़ित आते हैं उनको हम आते ही उनको कहता अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उसका लास्ट स्टार्ट करते हैं कोई बगैर किसी डिस्पैरिटी से। और पर केंद्र सरकार ने जो टीकाकरण की नीति है जैसे भाई साहब ने बोला है ये बड़ी गलत है। इनको जो स्टेट ज्यादा जहाँ पे पॉजिटिव केस है उनको उसी हिसाब से उस जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चाहे वो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वैक्सीनेशन की वैक्सीन की हो चाहे रेमडेसिविर दी हो ये सारी चीजें इनको सेंटर वाला को पूरे ध्यान में रखना चाहिए हमको ये जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया है मीडिया एक चैनल को छोड़कर एनडीटीवी को छोड़कर जेकर आप 10 बजे से 11 बजे तक आपको टीवी देखेंगे वो पूरे हिंदुस्तान की पिक्चर सामने रख देगा कि भी हिंदुस्तान में कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। पर लेकिन बाकी जो चैनल है वो सारे बिल्कुल चुप है। सोशल मीडिया आपने आपने बताया कि उन्होंने 50 जो सोशल मीडिया के अकाउंट थे बंद कर दिए। ये एक बहुत ही पक्षपाती वाला रवैया है। आज की डेट में जितना हमारी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी जितना कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बढ़िया होगा उतने हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टी का जो प्रोग्राम है जो पार्टी के लीडर है उनको खास करके इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि जब हमारी सरकार आती है हम तो सेक्युलर होकर जैसे साधु बन के बैठ जाते हैं पर अब जो सरकार सेंटर में है वो बिल्कुल एक जैसे वो डेमोक्रेसी नहीं मैं कहता हूँ डिक्टेटरशिप के तरह वो रोल प्ले कर रही है। वो हमारे देश के लिए जो सेकुलर कंट्री है जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं हर मजहब के लोग रहते हैं उनके लिए ये उनकी सोच जो है वो अच्छी नहीं है। मैं इसको इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात जहां तक सवाल हमारे पंजाब का है हमारा पंजाब में काफी हम एफर्ट कर रहे हैं लेकिन पंजाब में भी पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा मात्रा में जो केस है वो बढ़ रहे हैं। जैसे बेड कैपेसिटी आपने बोला कल का जो आपका हमारे पास सर्कुलर आया था कि आपका क्या ऐसे बड़े पोजीशन है हमारे पास जुलाई 2020 में सिर्फ 5,500 बेड थे लेवल टू के आज 258 बेड थे लेवल थ्री के। आज की डेट में हमारे पास अप्रैल 2021 में 742 बेड कल तक थे और लेवल थ्री के 2143 बेड की हमारी आज डेट क्षमता थी। और दूसरा बताना चाहता हूँ कि आज भी हमने हमारा जो सिविल हॉस्पिटल जो जहाँ पे है उनका जो सारा ओपीडी का सिस्टम है उसको हम ट्रांसफर कर दिया ईएसआई में या अर्बन डिस्पेंसरी में और बाकी जो बड़े हॉस्पिटल 300 बेड वाले उनको सबको कोविड के लिए हमने खाली करवा रहे हैं उनके कोविड का वहां पे सिस्टम चलाएंगे ताकि कोई अगले आने वाले दिनों में जो जो पीक आ रही है उसको संभाल सके। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है 4852 बेड अभी भी हमारे पास लेवल टू के खाली है और 700 कुछ जो बेड हमारे अभी भी हमारे लेवल थ्री के खाली हैं प्लस वेंटिलेटर पे हमारे सिर्फ 67 लोग हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं जो कर जाता हूं जो टेस्टिंग की बात है टेस्टिंग की हमारी डेट आज की डेट में हम 60,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं उसमें 80% जो टेस्ट हैं वो हमारे आरटीपीसीआर हैं तो बाकी जो हैं वो ट्रूनेट या रैपिड एंटीजन पे हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन की बात है हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने खड़ा किया है वो 3,00,000 पर डे का है जैसे भाई साहब ने 7,00,000 बोला है लेकिन जब वैक्सीनेशन सप्लाई हो तभी हम उसको लगाएंगे तो हमारी जो फोर्स है वो भी खाली रहती है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश की बात की है इन्होंने गुजरात की बात की है तो जहां पे उनके पास एक कैपेसिटी में उनके पास सारी सप्लाई है तो वो हमारे उनको सप्लाई दे रहे हैं ये उनका हमारे साथ एक डिस्पैरिटी वाला फार्मूला बना रहे हैं। वैक्सीनेशन जो हमारे पास आज तक सिर्फ 34,00,000 हमारे को डोजेज मिली है
जिसे 30 लाख को हम यूटिलाइज कर चुके हैं और सिर्फ 4 लाख हमारी डोज हमारे पास बैलेंस है। ये आज हमारा आज का दिन हमारा निकलेगा और पर डे हम 1,90,000 लगा रहे हैं, क्यों हमारे पास ज्यादा सप्लाई नहीं, इसी कारण हमारा उससे काम नहीं चल रहा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जेकर हमारे पास सप्लाई प्रॉपर आ जाए तो हम 3 लाख पर डे की लगा देंगे, तो जो हमारा 45 से ऊपर वाला जो कैटेगरी है वो हम अगले 10-15 दिनों में उसको फिनिश कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आज शायद कोई मोदी जी आज कोई मन की बात बोल रहे हैं, शायद कोई टीवी में अभी आज कोई मेरे दोस्त ने बताया कि शायद उन्होंने बोला कि आज जो वैक्सीन का जो है जैसे चल रहा है वैसे ही आगे चलेगा, तो जेकर उनको थोड़ी बहुत समझ आ गई तो इसके लिए भी उनका धन्यवाद भी करना चाहिए, जेकर दे रहा है दुरुस्त है कि आप 600 रुपया आप स्टेट के लिए या एक आम आदमी के लिए खर्च करने के लिए आप बोल रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तो जो हमारे टैक्सेज है उसमें बड़ा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। अब जीएसटी का जो फार्मूला है उसमें हमारी सरकार तो एक पैसे के लिए तरस रही है कि हमारा जो खुद का पैसा है वो भी हमको टाइम पे नहीं मिल रहा, तो हम कैसे सरकार या कैसे सरकार लोगों की सेवा करेंगे। पर फिर भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सारी बात की है कि देश में सूबे में पूरा अच्छा काम पूरा है। ऑक्सीजन की बात है, हमारे पास जो ऑक्सीजन कैपेसिटी 2020 में थी 230 मीट्रिक टन की थी, लेकिन आज की डेट में 2021 में 350 मीट्रिक टन की है और 2 PSA प्लांट इंस्टॉल इन डीएच लुधियाना एंड जलंधर 700 LMN और 3 PSA प्लांट्स वर टू बी इंस्टॉल एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर पटियाला एंड फरीदकोट। ओनली जीएमसी फरीदकोट प्लांट ऑपरेशनल विद 1000 LMN कैपेसिटी विद अदर 2 आर जेट टू बी इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हें अब तक का कुछ नहीं किया। दूसरा डिटेल जो 5 PSA प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड इन नेक्स्ट फेज हैज शेयर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ हैविंग पीएसए प्लांट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, माता कौशल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पटियाला 700 LPM और मोहाली में जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी उसमें मेडिकल कॉलेज बन गया उसमें 1000 LPM का और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुशियारपुर 300 LPM का और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बठिंडा में 300 LPM का और डिस्ट्रिक्ट सरूर में 700 LPM का। मैं ये आपको बता देता हूँ, ये हमारी अगली प्लानिंग है। दूसरी बात जो है, हमारे कल CM साहब ने जो इंडस्ट्री स्टील प्लांट थे जहाँ उनकी खुद की प्रोडक्शन थी, जहाँ उनकी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगा रखे थे, उन सबको बंद कर दिया और सारी ऑक्सीजन को डाइवर्ट करके हॉस्पिटल को देने का फैसला किया है ताकि हमारा जो पेशेंट है या हमारा कोई आदमी ऐसे ना हो जैसे कल अमृतसर में भी हमारे भी कैजुअलिटी है, 6 लोग चले गए हैं, लेकिन उसमें सरकार के उन्होंने हमको सही टाइम पे बताया कि हमारे पास इतनी मात्रा में ऑक्सीजन बची हुई है, उसकी वगैरह इंक्वायरी चल रही है, जो लोग उसमें गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ वगैरह हम कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भी जो आज का माहौल है सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में काफी क्राइसिस आने वाले हैं, तो जेकर देश मिलकर और सभी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर अपना रोल प्ले करेगी तो मैं ये बता सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ कि शायद हिंदुस्तान का भला हो जाए। आज हमारी सारी जितनी एयर फ्लाइट्स है वो सारी लोग वाले कंट्री ने बैन कर दी है और अब सबको चीज को दापे लगाकर हमको जो वैक्सीन की है जो बाहर से इम्पोर्ट करनी है जहाँ अपने लोकल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हमको प्रेशर करना चाहिए, प्लस जो मीडिया है उसके ऊपर हमारी पार्टी का जो मैं कहता हूँ पूरा कंट्रोल नहीं है, उसको मीडिया को जो आज जैसे यूपी की बात की है उन्होंने, बिहार की बात की है या दूसरे स्टेटों की बात की है, वहां पे बहुत बढ़ इतने माड़े हालात हैं कि वो लोग तो बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं लेकिन वो कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन पंजाब में हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम एक भी डेथ होती है या एक भी आदमी बीमार होता है उसको बकायदा काउंट करते हैं और बकायदा पारदर्शिता से साथ काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी को जो हमारे वर्कर है खास करके, जो चाहे सरकार हमारी किसी स्टेट में हो या ना हो, लेकिन हमारे वर्कर को बकायदा हम मोबिलाइज करें कि वो हॉस्पिटल में जाए जहाँ वैक्सीनेशन लग रही है वहां जाके खड़े हों, तो जो लोग जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। कोई जरूरी नहीं कि हमारी सरकार तहुन करना, जो सरकार नहीं भी तो हम एक इंसानियत के तौर पर हमारी पार्टी को आगे आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नींव है इसी के ऊपर रखी हुई है कि इंसानियत और सेकुलर सोच की पार्टी है,
तो देश को और इंसान को बचाने के लिए हमको आगे आना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद सिद्धू साहब, आपने बहुत तफसील से बताया। अंडर रिपोर्टिंग खास करके हो रही है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। और एक बात जो आपने मीडिया के बारे में कहा, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे साथ जो कांग्रेस बीट पर जो पत्रकार कवर करते हैं कमोबेश, ज्यादातर सबके सब निष्पक्षता से हमारी बात रखते हैं। और ये बात जरूर है कि एक हद के बाद व्यवस्था सामने आ जाती है। तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए अगला वक्ता अपने लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड से बन्ना गुप्ता जी, आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी बात कहें। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं झाजी को और पूरी पार्टी को दूंगा जिन्होंने सीधे संवाद करने का अवसर दिया है। आदरणीय बाबा हमारे बैठे हैं उनको भी प्रणाम, शर्मा साहब को भी प्रणाम, हमारे जी को भी प्रणाम और सभी प्रेस मीडिया के साथियों दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि आज यदि हम बहुत गंभीरता पूर्वक इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा में इस बात की भी चर्चा हमको करने की आवश्यकता होगी कि आखिर ये देश किन परिस्थितियों में और किन हालातों में ये देश चलेगा। क्या देश में इसी तरह की हमारे संस्कार और संस्कृति से हम इस देश को गौरवान्वित महसूस कराते आए और करते आए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना को एक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का, एक हथकंडा नहीं बनाने का एक कुंठित प्रयास किया है? जब पहला केस आया था उस केस में और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसी समय आशंका व्यक्त की थी कि इसके स्प्रेड होने की बात उन्होंने कही थी, और उस समय जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी को गंभीरता दिखानी चाहिए थी उन्होंने इस गंभीरता से सभी लोगों को जो है मुखदर्शक बना दिया और लगातार ये स्प्रेड होते गए। फिर इसको एक धर्म विशेष पर अंकित करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जो सारा देश जानता है। इसी के बाद देखिए, चूंकि इस दवाई की, इस औषधि की जरूरत थी, वैक्सीन की जरूरत थी, इसकी आवश्यकता भी थी, और जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होता है और आविष्कार की प्रासंगिकता भी होती है और प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदलने का भी काम होता है। चूंकि जब ये दोनों व्यावसायिक प्रतिद्वंदी कंपनियों ने एक दूसरे के बारे में प्रेस मीडिया में जब कुछ अफवाहों को एक आयाम दिया तो उस समय देश के प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए था कि वो आगे आते और दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने जिस तरीके से पहला वैक्सीनेशन लेने का काम किया उनको भी लेना चाहिए था, इससे एक विश्वसनीयता बढ़ती। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि पहले कोरोना वॉरियर्स को हम उत्साहवर्धन करेंगे, ताली बजाना है, उनको प्रोत्साहित करना है, हमने भी किया पार्टी फोरम से हटके। लेकिन जब उन्होंने इस हद को पार करने का प्रयास किया कि आप 9 मिनट घर की लाइट बंद कर दीजिए, आप अगर मोमबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, तब फिर ये समझ में आने लगा कि ये विशुद्ध रूप से ये इस बीमारी के भी राजनीतिक लाभ लेने के ये प्रयास कर रहे हैं। मैं ये आपके माध्यम से जरूर कहूंगा देश की मीडिया को कि दुनिया का विश्व गुरु भारत था, भारत है, भारत ही रहेगा, लेकिन विश्व के महानायक बनने के लिए अपने मित्र देशों को भी हम गलत विदेश नीति में करके अपने मित्र देशों को भी विरोध में खड़ा कर रहे हैं। और आज जब स्थितियां ये हैं कि राज्य सरकारों के पास राजस्व की कमी है, उनको ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन, और जो पार्टी इस बात को जोर शोर पर उठाती थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हमारा है, एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाली भाजपा, आज देश में लोगों को जीवन मरण के लिए जो वैक्सीनेशन है उसमें भी तीन तीन तरीके से उसको विभाजित कर रही है, कहीं 150 रुपया, कहीं 400 रुपया, कहीं 600 रुपया। तो जो लोग की नीति नियत और जिनकी सोच में भारी अंतर है। और आज आप देखिए कि कितना, अभी रघु शर्मा जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ गुजरात में 1 लाख लोग पॉजिटिव हैं तो उनको 1,63,000 डोज दिया जा रहा है, और हम जो हैं रेमडेसिविर का डोज यदि बांग्लादेश से हम अपने पैसा पे खरीदना चाहते हैं तो हमको उसकी इजाजत नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ जो है पॉजिटिव रेट जो है वो कितना तेज गति में भाग रहा है। पिछली बार हमारा
जो है कोरोना का पॉजिटिव रेट भी बहुत कम था और जो मोर्टिलिटी रेट थी वो भी बहुत कम थी। 115 से ज्यादा लोग की मृत्यु कभी नहीं हुई, लेकिन आज हमारे यहाँ एक दिन में 110 लोग 115 लोग भी मर रहे हैं। लेकिन हमारा केंद्र की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। और हम जब रेमडेसिविर की बात करते हैं तो हमको जो है ऊँट के मुंह में जीरा, कभी 15,000 देने के लिए अलॉटमेंट होता है तो कभी जो है फिर जब हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो फिर 26,000 कर दिया जाता है। आप एक चीज बताइए कि पहले हमसे कहा गया कि आप 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजिए और 15 दिन के एडवांस प्लानिंग के आधार पर आपको जो है हम लोग वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएंगे। हमने एडवांस प्लानिंग भेजा, एडवांस प्लानिंग 15 दिन के, आप 15 दिन के बाद 2 महीना पार हो गए लेकिन हम लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिला। फिर जब मैंने बार बार हाय तोबा किया तो वैक्सीनेशन मिला। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव में पाकिस्तान को इतना मुद्दा बनाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करके देश के लोगों को गुमराह करते हैं, तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी ने 45 लाख डोज देने का काम किया है, बांग्लादेश को 20 लाख डोज दे दिए हैं, म्यांमार को 15 लाख डोज दे दिए, नेपाल को 10 लाख डोज दे दिए हैं, श्रीलंका को 5 लाख डोज दे दिए, भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को 1 लाख, मॉरिशस को 1 लाख। और तो और देश का जो राजस्व आज हमको पैसे से खरीदना पड़ेगा और इन्होंने जो है इस देश की गाढ़ी कमाई को 10,000 करोड़ भूटान को रुपया भेज दिया, 7,000 करोड़ मंगोलिया को भेज दिया, 15,000 करोड़ बांग्लादेश को, 5,000 करोड़ मॉरिशस को और 39,000 करोड़ नेपाल और अफ्रीका को भेज दिया है और 5,55,000 करोड़ अपने इन्होंने मित्रों को एक कर्ज को माफ कर दिया। और आज जब जान बचाने की बारी है तो वहां पर जो है राज्य सरकार जो है ऐसे ही राजस्व के घाटे में है। तो ये जनता को भी बताना होगा कि 20 लाख करोड़ का इन्होंने क्या यूज किया है। आखिर वो 20 लाख करोड़ कहीं बिहार चुनाव के वो 75,000 70,000 1 लाख 1,25,000 करोड़ की तरह है, वो भी तो हवा हवाई नहीं हो गए। ये भी देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है इस देश की फेडरल गवर्नमेंट की सरकार में कि निश्चित तौर पर एक दूसरे केंद्र और राज्य की सरकार में अंतर हो सकते हैं और वैचारिक अंतर होना लोकतंत्र की स्वस्थ पहचान है, इससे इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन जब राज्य की बात हो, राष्ट्रहित की बात हो, मानव हित की बात हो, जनहित की बात हो, वहां पर तो फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करती है। लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने के लिए, यहाँ हमको वैक्सीनेशन लेने के लिए, रेमडेसिविर लेने के लिए, आवश्यक दवाइयों को लेने के लिए, वेंटिलेटर लेने के लिए और हमको जो साधन है वो साधन देने के लिए हमको हाय तोबा मचा दिया जाता है। हमको जो है ऐसा व्यवहार होता है जैसे सौतेला बेटा का व्यवहार है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की कथनी करने में बड़ा अंतर है। एक तरफ वो एक अलग व्यवस्था की बात करते हैं, दूसरे तरफ बंगाल में जाकर लंबा लंबा भाषण देते हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं 2 गज दूरी मास्क जरूरी और खुद जो है बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, लाखों लाखों लोगों को संबोधित करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आज हमारा झारखंड स्टेट ट्राइबल स्टेट है और इसमें रोज हम लोग अभी जांच करवा रहे हैं। इस जांच में हम 40,000-45,000 लोगों की जांच करते हैं और जांच में कम से कम हमारा जो है 15-16% पॉजिटिव आ रहा है और लगातार जो है मृत्यु दर बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमारी जब ऐसी स्थितियां हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग किसी राज्य में नहीं है, एक फेडरल गवर्नमेंट के राज्य में नहीं है, बल्कि एक कोई अलग सा छोटा सा कोई महाद्वीप है जिसको लोगों ने केवल जो है प्रयोगशाला का चूहा के रूप में, झारखंड को जब बंगाल जाते हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं झारखंड को देखो, झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन जब झारखंड को मैं देखता हूं डबल इंजन की सरकार 5 साल रहने के बाद, एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं था, हमने 8 जगह आरटीपीसीआर लैब स्थापित किए हैं और अभी 6 जगह आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने जा रहे हैं। ट्रू नेट की मशीन हम लोगों ने 200 से ज्यादा लगाने का काम किया है, रेड से लगातार हम टेस्टिंग करने का काम कर रहे हैं और 65 लाख से ज्यादा हमने टेस्ट करने का काम किया है और आज भी टिल टूडे भी हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि हम बेडों की संख्या जो पिछले बार थी बेड की संख्या, वो बेड की संख्या को लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। 19,000 बेड हमने अभी जो है, पिछली बार हमारे पास 12,000 बेड थे और आज के दिन में हमने उसको जो है 19,178 बेड किए हैं और 12,600 बेड तो हमारे नॉर्मल बेड की संख्या है, 695 आईसीयू है, वेंटिलेटर 673 है, जबकि वेंटिलेटर पिछली बार 200
62 थे, तो लगातार हम अपग्रेड करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं जरूर प्रेस मीडिया साथियों से जरूर प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कथनी और करनी है, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और ये इनके कहने का हर चीज को ये राजनीति के, मुझे तो लगता है कि ये कोरोना में दो लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, एक तो हमको मरीजों को स्वस्थ भी करना होगा और दूसरी तरफ इनको राजनीतिक रूप से भी जवाब देना होगा। पहली बार हमने देखा है कि कोई बीमारी को भी राजनीति के चश्मे से बीमारी को भी मापदंड बनाते हैं। जब इन्होंने ये लॉकडाउन की बात कही थी, उस समय देश में कोरोना इतना विषम परिस्थिति में नहीं था, लेकिन जब अभी हमने लॉकडाउन की बात की तो प्रधानमंत्री जी का संदेश आ रहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। तो देश के प्रधानमंत्री जी को फिर बताना चाहिए कि उनके पास ऐसे क्या मानक हैं, क्या उनके पास ऐसे क्या थर्मामीटर हैं जिनसे वो नापते हैं। और उनको ये भी बताना चाहिए कि जब कोरोना जब हुआ था तो फिर उन्होंने क्यों बत्ती बंद करवाई थी, उसके क्या स्वास्थ्य होने के लिए क्या उसका कोई विधि विशेषज्ञ ने, कोई बड़े लोगों ने ये बताया कि ऐसा बत्ती बंद कर दो। तो प्रधानमंत्री जी 9 मिनट नहीं, 9 दिन तक आपको पावर ग्रिड बंद करना चाहिए। यदि पूरे देश का कोरोना समाप्त होता है तो मैं तो कहूंगा कि 9 दिन बंद कर दीजिए पावर ग्रिड, आपके हाथ में पावर, आप बंद कर दीजिए पावर ग्रिड को। लेकिन देश की जनता को इस तरह से गुमराह मत कीजिए, देश की जनता के साथ ऐसा धोखा मत कीजिए, देश की जनता को इस तरीके से इस दुख और दुविधा के समय में। देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारा भी राइट है आप पर, और आप अपने राइट से नहीं बच सकते हैं, आप हमारे अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। आप हमारे RBI का जो पैसा, अभी मैं सुन रहा था हमारे बाबा की बात कि हमारा पैसा को भी जो है वो नहीं दे रहे हैं, या शर्मा जी ने कहा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार फेडरल गवर्नमेंट में हुआ है कि RBI का पैसा, जो हमारा पैसा है, जो हमारे विकास का पैसा, उसको ये जो है डिटेक्ट कर ले रहे हैं। और हमको GST का हमारा पैसा नहीं देते हैं, हमारा रॉयल की रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं, हमको जो है तरह तरह से प्रताड़ित अपमानित किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये विश्वास देते हैं देश की जनता को, हमारे पत्रकार को, हमारी पार्टी के लोगों को, कि हम इस झारखंड को विषम परिस्थिति में भी, इस झारखंड में हम निश्चित तौर पर, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे रामेश्वर उरांव जी, हमारे आलमगीर साहब, हमारे RPN सिंह साहब जैसे लोगों का नेतृत्व हमको प्राप्त है, और हम लोग इस विपदा की घड़ी में हमारी जनता को हर दुख तकलीफ में हम खड़े रहेंगे और उसकी सेवा करेंगे। और विपरीत परिस्थितियों में भी ये हम जानते हैं कि रात अंधकार में जरूर है, लेकिन सुबह का सूरज है, और ये कोरोना के अभिशाप से हम इस झारखंड को मुक्त कराएंगे, ये विश्वास के साथ हम सोनिया गांधी के सिपाही काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा समय, 2 मिनट झा साहब, ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन हमारे यहाँ 5 निर्माता कंपनियां हैं, और हमारा जो है अधिकतम उत्पादन करने की क्षमता 390 टन है, लेकिन फिर अभी हम 310 टन तक उत्पादन कर रहे हैं, और राज्य में कुल 80 टन तक खपत की प्रतिदिन हमको आवश्यकता है। लेकिन इस केवल हमको रिफिलिंग करने के लिए हमको परेशानियां आ रही हैं, और रिफिलिंग करने के लिए हमने 18 रिफिलिंग जो है व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन हमने केंद्र सरकार से 19,000 हमने ये मांगे हैं, इनसे सिलेंडर मांगे हैं, लेकिन हमको नहीं प्राप्त हुए हैं। और मैं जरूर, आप प्रेस प्रतिनिधि साथी हैं, मैं मानता हूं कि देश में जब कभी भी क्रांति हुई है, पत्रकारों की बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही है। खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिला अखबार निकालो। तो मैं समझता हूँ कि प्रेस प्रतिनिधि साथी हम लोगों की भावना को, हम लोगों की बातों को बिल्कुल हूबहू प्रस्तुत करेंगे, ताकि देश की जनता को ये समझ में आना चाहिए कि कैसा अन्याय जो है हम कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र की सरकार कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद बन्ना गुप्ता जी, आप चारों ने विस्तार से बताया, लगभग 55 मिनट का समय हो चुका है। मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सवाल पूछें, और राज्यवार सवाल हो तो राज्यवार पूछ ले करके प्लीज इंगित करिए। सिद्धार्थ NI से पहला सवाल पूछना चाहते हैं, किनसे पूछेंगे सिद्धार्थ? सर, सबसे पहला सवाल मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री रघु शर्मा जी से है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है कि 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कही जा रही है, तो क्या माना जाए कि आप लोगों ने अपनी तरफ से अप्रोच कर लिया, क्या वैक्सीन मिलने की कोई संभावना नहीं है? और स्पुतनिक वी
जो है जिसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है, क्या उससे भी आप लोग बात करेंगे? देखिए, हमसे कहा गया कि सीरम इंस्टीट्यूट से आप बात करिए। हमने, हमारे अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की, उन्होंने फीडबैक दिया कि जो भारत सरकार के ऑर्डर्स हमको मिले हुए हैं, उन ऑर्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हमको 15 मई तक का समय लग सकता है, तब तक हम वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन अगर राज्य सीधा प्राप्त करना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये भारत सरकार को तय करना चाहिए, या ये जो दो कंपनियां हैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनको पाबंद करे कि इतनी वैक्सीन इस राज्य को आपको देनी ही है, और कीमत चाहे राज्य वहन करेंगे, और कीमत भी एक होनी चाहिए, अलग अलग कीमत नहीं होनी चाहिए। एक देश में भारत सरकार को आप 150 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं और 400 रुपए में राज्य सरकार को दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? 600 में प्राइवेट को दे रहे हैं, हाहाकार मच जाएगा देश के अंदर। ये महामारी का दौर है, इस चीज को केंद्र सरकार को एड्रेस करना चाहिए। और कोवैक्सीन वालों ने तो 600 रुपए और 1200 रुपए कर दिया दोनों। सर आपने, जी 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 सर, आपने एक और बात कही कि देहात में फैल रहा है, गांवों में फैल रहा है ये वायरस, और 30% आपने बताया, तो आप लोगों का आकलन क्या है कि ये गांव में फैलने के बाद तो बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, चाहे किसी भी स्टेट की कहें और चाहे हमारे पूरे देश की कहें, तो कितनी भयावह स्थिति हो सकती है? कुछ आकलन राजस्थान सरकार ने किया इसके लिए, और उसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, हमने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिला अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, हमने हमारे जो जितने भी CHC है उनको मॉडल CHC में कन्वर्ट करने का कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि जहाँ का मरीज है वहीं पे उसको इलाज की सुविधा मिल जाए। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमको कि हमारे स्टेट में ऑक्सीजन नहीं पैदा होती। एक प्लांट है भिवाड़ी में जिसकी खुद की कैपेसिटी 120 मैट्रिक टन पर डे है, अब उसमें से हमको 100 मैट्रिक टन का अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है, और हमारी रिक्वायरमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि आज 250 से भी ज्यादा है मैट्रिक टन की, और ये बढ़ती जा रही है। 30 अप्रैल तक 350 मैट्रिक टन मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकता है, जिस गति से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं ये रिक्वायरमेंट और बढ़ सकती है। आज सारे अस्पताल फुल है हमारे, राजधानी के अस्पताल फुल है, प्राइवेट अस्पताल फुल है, और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान वो स्टेट है जहाँ निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, पड़ोसी राज्यों के मरीज हर रोज 100, 150, 200 की संख्या में हमारे जयपुर में, राजधानी में आ रहे हैं, और जो कोटा है, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है पड़ोसी राज्यों के, वहाँ भी हमारे पेशेंट पड़ोसी राज्यों के आ रहे हैं, हम उनको भी मना नहीं कर सकते। राज्य के मरीजों के साथ साथ हमारे ग्रामीण इलाके के लोगों को बचाने के साथ साथ जो दूसरे राज्यों के मरीज आ रहे हैं उनको भी कैटर करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है अभी। तो इंजेक्शंस पूरे मिले, ऑक्सीजन पूरी मिले, सिलेंडर्स पूरे मिले, टैंकर पूरे मिले जिनसे ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ये चीजें भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर, मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। अगला प्रश्न PTI से संदीप चोपड़ा जी, उसके बाद आता हूँ सदाब आपके पास। संजीव चोपड़ा जी, सादा पर तो आप पूछ ले, राजस्थान आ गए हैं, भूषण जी आ गए। जी प्रणव जी, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हैज प्लेस्ड इट्स ऑर्डर फॉर वैक्सीनेशन फॉर द नेक्स्ट फेज फॉर 18 टू 45 इयर्स टुडे। आई वांटेड टू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, since are you ready for the rollout and whether you place your vaccine orders, you know, jaise Raghu Sharma ji ne kaha ki wo unke paas available hi nahi hai 15th May tak, so how do they plan to roll this out? Kesing Desa ji, Pranav ji, there is no way in which vaccination can be given if the vaccine is not available. Ye saaf taur pe sthiti samne hai कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और इसमें भी केंद्र सरकार राजनीति से पीछे नहीं हट रही इस बाबत कि अगर वैक्सीनेशन का ये तीसरा फेज 18 से 45 साल के लोगों को
जिसको राज्य सरकारें फंड करेंगी, उसमें जो वैक्सीनेशन की पर्ची निकलेगी वो प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ निकलेगी। आप देखिए कि किस तरह से इसमें राजनीति हो रही है। बहुत अफसोस की बात है, पूरे देश को मिसगाइड किया जा रहा है, राज्यों के ऊपर एक तरह से ये भार और बदनामी दी जा रही है कि देखो हमने तो 1 मई से वैक्सीनेशन ओपन कर दिया, और वैक्सीनेशन ही नहीं है, अगर वैक्सीन ही देश में नहीं है तो वैक्सीनेट करेंगे किसको? हमारी तैयारी है, हमारे पास वैक्सीनेशन साइट्स चिन्हांकित हैं, 3.5 से 4 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ एक दिन में लगा सकता है, और अनुपातिक आबादी अगर हमारी 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लगाना है तो 30 से 40 दिन में हम पूरा वैक्सीनेशन पूरा कर सकते हैं, बशर्ते वैक्सीन हो, वैक्सीन नहीं है। थैंक यू। रघु शर्मा जी ऐड करना चाहेंगे राजस्थान का अपना परिपेक्ष? मैंने तो पूरी बात हमारी रख दी। रखी दी आपने? हमारे 3 करोड़ 13 लाख लोग हैं 18 से 45 साल के बीच में। अब उन लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए 7 लाख डोज पर डे लगाने की हमारी तैयारी है। स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास है, जिलों में है, कैपिटल में है, डिवीजन में है, डिस्ट्रिक्ट इसमें कोल्ड चेन पॉइंट है, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बम्पर स्टॉक दे हमारे को, भारत सरकार कीमत हम चुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए कि राज्यों में जो बेनिफिशियरी हैं उनको वैक्सीन प्रॉपर तरीके से जितनी मात्रा में वो चाहते हैं उसको सप्लाई तो मिले, उपलब्धि हो तभी होगी। जी अगला सवाल मैं लेता हूँ, शादाब जी हैं पत्रिका राजस्थान पत्रिका से, शादाब पूछिए। प्रणब जी आई एम सॉरी, यू नो माय आंसर वाज स्टिल अनआंसर्ड, वेदर यू सेड द कांग्रेस रूल स्टेट्स आर रेडी फॉर द रोल आउट, बट I think they all got your question. The thing is that there has to be a consonance, and I'm sorry, there's nobody from AICC at the moment to speak, universally about the Congress Party across the country. So therefore, they are giving their own opinion. We'll have another briefing today, later in the day, and I think then you can ask this question. Okay. Pranabji, can the Punjab minister and the Jharkhand minister also tell us whether they are ready to roll out the vaccine from first? Why not? जी जी जरूर, क्यों नहीं। जी सिद्धू साहब जी जी, तो ये जो सवाल पर कि रोल आउट का क्या प्लान है अपना, इसको लेकर के कहना चाहेंगे कुछ? नहीं, मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन का काम है, जेकर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं करेगी प्रॉपर डे पे तो हमारा नुकसान और भी हो सकता है। क्योंकि हमारा भी आजकल का जो आंकड़ा डेथ का, और 92 लोग हमारे इससे पहले कल में चरण की डेथ हुई है, और डे बाई डे हमारे जो पंजाब का लाइफ स्टाइल है बाकी स्टेट से डिफरेंट है, और जहाँ पे कोमोर्बिडिटी वाले केस बहुत ज्यादा है जिस कारण हमारे को काफी लॉस सभी तौर पर हो रहा है, तो सेंटर को हमारी जो प्रायोरिटी को समझना चाहिए, और जितने वैक्सीन हमको देंगे उतना ही हम ज्यादा लगा पाएंगे। और दूसरी बात एक खास बात बताना चाहता हूँ, पत्रकार सेवा बैठे हैं कि हमने जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट फ्रंटलाइन के वर्कर थे उनको 82% को हमने वैक्सीनेट किया था, उसके बाद वहां पे डेथ रेट जीरो हो गया और जो पॉजिटिविटी है वो सिर्फ 20% रह गई है। ये सबसे बड़ा एक कारगर मेडिसिन है कि जेकर वैक्सीन रेट हम प्रॉपर टाइम पे हमको कर देंगे तो हम अपने देश और समूह को बचा सकते हैं। आई थिंक द सेम सॉरी सिद्धू साहब, फर्स्ट मई से क्या आप 18 साल वालों को लगा पाएंगे? क्या वैक्सीन है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास एक दिन की हैंड टू माउथ है, हमारे पास तो आज 4 लाख डोज बची है। मैं तो कहता हूँ जैसे बाकी स्टेटों में हरियाणा के लिए शेड्यूल बना रखा है तो उनको एक वीक में इतनी वैक्सीन देंगे तो उसी हिसाब से हमारा भी शेड्यूल बनना चाहिए कि आपको 10 लाख देंगे कि 15 लाख देंगे पर वीक। तो जो फिर 18 साल वाले आ जाए, आज 25 अप्रैल हो गया तो 5 दिन बाकी है इस मंथ के, लेकिन हमको 5 दिन लगातार जो थे तो हमारे 60% लोगों को हमने जो 45 साल के ऊपर 60% लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है, तो लेकिन 5 दिन में और 15 लाख लोग हो जाएंगे तो हमारे टोटल 68 लाख की जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 45 है। तो लेकिन उसके बाद जो बाकी 18 साल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हाउस पॉज हो जाएगा। तो सेंटर को सीधे तौर पर वैक्सीन के लिए हर भारत के हर स्टेट का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए। सर प्रणव सर, नीरज जी एक मिनट आता हूँ, रुक जाइए, पहले और लोग हैं सवाल के लिए। बन्ना गुप्ता जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? म्यूट अनम्यूट कर लीजिए बन्ना जी।
मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि आपदा को अवसर और अवसर को उत्साह में बदल देना है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपने मन की बात कही है उसी के हिसाब से वो चल भी रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं राज्य सरकार जो है वैक्सीनेशन का भार खुद ले, हम भार लेने को भी तैयार हैं, हमने घोषणा भी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों कंपनियां हैं वो कंपनियों का उत्पादन क्षमता को पहले ही उन्होंने हाईजैक कर लिया है और पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार ने 150 रुपये प्रति जो है कि एक फाइल जो है के लिए सौदा कर लिया। मैंने पहले भी कहा कि एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले लोग तीन तीन तरह के जो है इस महामारी में भी और जो जान बचाने के लिए एक अति उपयोगी साधक है या जो अति उपयोगी वस्तु है उसको भी क्रय और विक्रय करने में लाभ हानि के रूप में उसको भी कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया है। तो मैं समझता हूं कि भाई हम कैसे क्रय करेंगे, जब वहां सामान होगा तब ना वो सप्लाई करेगा, जब सामान ही नहीं है तो हमको सप्लाई क्या करेगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार को छूट दे दी, अब जनता हमसे कहेगी कि आपको तो छूट मिल गया, आप क्रय करिए और खरीद के हम लोगों को वैक्सीनेट करिए। हम तो वैक्सीनेट करने को तैयार हैं, हमारे पास उतने हमने उतने सेंटर बना के रखे हैं कि एक दिन में हमारी कैपेसिटी जो है 4 लाख लोगों को भी हम वैक्सीनेट करने से लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन हमको क्रय करने के बाद क्या हम रेमडेसिविर नहीं क्रय करना चाहते हैं, हमको केंद्र सरकार इजाजत दे दे बांग्लादेश से, हम आज की आज 50,000 डोज खरीद लेंगे, लेकिन हमको इजाजत नहीं दी जा रही है। एक तरफ हमको बंधन में बांधा जा रहा है, दूसरे तरफ जनता में संवाद दिया जा रहा है कि हमने ओपन कर दिया है, मार्केट खुला मार्केट है, जो चाहे वो क्रय कर सकते हैं। अरे भाई क्रय क्या, हम अपने घर में वैक्सीन बनाएंगे क्या, वो दोनों कंपनियां ही बना कर देंगी तो केंद्र सरकार ही एलोकेट कर दे कि किस राज्य को कितना मिलेगा, तो क्लियर हो जाएगी बात। जी जी, इसमें एक बात और रहस्यमय है जो समझ में नहीं आया कि एक प्रमुख निर्माता है वो कह रहे थे कि यूएस से सैंक्शन होने के कारण जो है वो जिस दर पर वो बना सकते हैं या जितनी मात्रा में बना सकते हैं वो अवरुद्ध हो गया है। लेकिन मैंने देखा टेलीविजन पर थोड़े दिन पहले उनका इंटरव्यू है कि उससे उनके वैक्सीन निर्माण क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूएस अगर सैंक्शन लगाता भी है। पता नहीं ये बात उनसे कोई पूछ सकता है, मुझे उम्मीद है कि पत्रकार महोदय जब भी मौका मिलेगा तो इस बात को उठाएंगे कि उनकी लोग दो तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं। सही वही व्यक्ति जो कि निर्माता है वो ही दो तरह की बात क्यों कह रहा है। मैं अगला प्रश्न लेता हूं, अब तक मैं सिर्फ दो प्रश्न ले पाया हूं। शादाब राजस्थान पत्रिका से पूछे, उसके बाद जैनेन्द्र एबीपी से। मैं रघु शर्मा जी से जयपुर को लेकर सवाल करना चाहूंगा। जैसा कि अभी उन्होंने खुद ने बताया था कि जो राजधानी के अस्पताल है फुल हो चुके हैं और आज राजस्थान पत्रिका समेत कई अखबारों ने भी छापा है जयपुर से मरीजों को लौटाया गया है, तो जो SMS जो सबसे बड़ा अस्पताल है राजस्थान का उसमें सिर्फ चरक भवन में भी कुछ 100-125 बेड का आपने इंतजाम करा है, जबकि 1,000 बेड कोविड को लेकर आरक्षित हो सकते हैं, तो क्यों उसको एक अकेला ऐसा अस्पताल दिखता है जो जहां पर कोविड का इलाज नहीं हो रहा, जबकि दिल्ली का एम्स या सर गंगाराम अस्पताल है या जो दूसरा जो बड़ा अस्पताल है सब जगह इस तरह का इलाज शुरू हो चुका है, तो ऐसी क्राइसिस में क्यों SMS को काम में नहीं लिया जा रहा है? बेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा ना प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की, प्रॉब्लम है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। अभी हमारे 1,000 बेड नहीं 2,500 बेड है SMS हॉस्पिटल में, उसमें से 250 बेड जो चरक भवन है उसी के अंदर है SMS में, उसको हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में अभी प्रारंभ किया है। हमने जयपुरिया हॉस्पिटल में 304 बेड है उनको हमने पूरा फुली ऑक्यूपाइड हुआ वो। हमारा RUHS है 1,200 बेड का अस्पताल है, उसमें 1,500 बेड लगाए हमने, बरामदों में लगा दिए, चौक में लगा दिए, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेचुरेशन तो आएगा ही। अब SMS को विचार कर रहे हैं कि उसके बेड भी इस्तेमाल करेंगे। ESI का अस्पताल हम ले चुके हैं ऑलरेडी, उस पर तैयारी चल रही है, करीब 250 बेड वहां पे है। आने वाले समय में बेड की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने 5,000 बेड की सुविधा वहां टॉप रोड के ऊपर राधा स्वामी सत्संग में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके और वहां बेड शुरू कर दिए। सवाल ये कि ऑक्सीजन कम पड़ेगी, मरीज ज्यादा आ जाएंगे, उनको बचाएंगे कैसे? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का ही काम करेगी। धन्यवाद सर। जैनेन्द्र अपना सवाल पूछे, उसके बाद नीरज।
जी थैंक यू प्रणव सर। सर मेरा सवाल ये है जो पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन उसका स्पष्ट जवाब किसी वजह से शायद नहीं आया है। मैं ये जानना चाहता हूँ सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से कि जैसे रघु शर्मा जी ने कहा सर कि 15 मई तक वैक्सीन सप्लाई करने से हाथ खड़ा कर दिया वैक्सीन कंपनी ने, क्या वैसा ही जवाब छत्तीसगढ़ को भी या झारखंड को भी या पंजाब को भी मिला है? आप लोगों को क्या जवाब मिला है और क्या आप लोगों आपके स्टेट में क्या लगता है आप लोगों को कि कब से 18 से 45 आयु वर्ग जो है उसको वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है वो आप लोग कब से शुरू कर पाएंगे? मुझे स्पेसिफिक इसी बात का जवाब चाहिए कि क्या जवाब दिया गया है आप लोगों को और कब से शुरू हो पाएगा। चारों स्वास्थ्य मंत्रियों से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इसका जवाब दें। भारत सरकार वैक्सीन आप बोलिए पंजाब को देंगे, ये छत्तीसगढ़ को देंगे और हमारे बेनिफिशियरी जैसा मैंने बताया कि बेनिफिशियरी फिक्स है 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के लोग हर राज्य में उनकी संख्या तय है। भारत सरकार को भी मालूम है, राज्य सरकार को भी मालूम है। उसके अगेंस्ट में भारत सरकार ये वैक्सीन निर्माता जो कंपनियां हैं कितनी वैक्सीन हमको प्रोवाइड करेगी और किस तारीख से करेगी, हम उसी तारीख से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो ये उपलब्धता पे निर्भर है पूरी तरह से और सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के लिए यही जवाब होगा। जी मतलब क्या सर, जस्ट एक जी 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 सर जी सिद्धू साहब। हाँ सर, ऐसे है कि भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कंट्री की वर्क फोर्स है वो 18 से 45 साल में ही ज्यादा है। वो एनर्जेटिक जो लोग हैं वो ही लोग देश के लिए, चाहे फौज में हो चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो इंस्टीट्यूट में काम करते हो, उनको प्रायोरिटी। अब जो हमारे पंजाब में पॉजिटिविटी आ रही है वो ज्यादातर लोग 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं, जेड़ा कि बहुत हमारे लिए एक खतरे की घंटी वाली बात है कि ये जो आप वैक्सीन हमारे पास आएगी। अब हमने जो पहले हेल्थ फ्रंटलाइन के वर्कर थे, जो हेल्थ के थे या दूसरे लोग थे जो काम कर रहे थे फील्ड में जाके ट्रेसिंग टेस्टिंग वो सब करते थे, उनको तो हमने हौली हौली सेकंड डोज भी लगाना शुरू कर दिया, वो काफी हद तक हमने लगा भी दिए। लेकिन ये सब जो 60 के अबव लोग हैं वो तो घर से भी कम बाहर निकलते हैं, लेकिन जो लोगों ने फील्ड में जाना है वो 18 से 45 साल की एज वाले लोग ज्यादा है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बगैर किसी देरी के पूरी जो प्रोडक्शन, जैसे भाई साहब ने बन्ना जी ने बोला कि सारा तो इन्होंने वैक्सीन बाहर कंट्री को दे दी, कोई बात नहीं दे, लेकिन हमारे पास सरप्लस होगी दे, पहले अपने घर में जो राशन है वो तो पूरा करें जिसकी जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्मूला है 18 से 45 वाला, भले पैसे भी ले लेकिन सप्लाई तो पूरी दे। ये तो गारंटी हो ना कि आपको शाम को इतनी डोज मिल जाएंगी, लेकिन आपको हम मांगते 10 लाख तो मिलती है 1 लाख का, तो उससे कैसे काम चलेगा हमारा? सिद्धू साहब जवाब सवाल ये है कि आप लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या जवाब दिया? जैसे रघु शर्मा जी कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि 15 मई तक सबको यही कहा गया, वहां पे सबको यही जवाब है कि आपको 15 मई तक हमारे पास ऑर्डर बुक है, उसके बाद ही सप्लाई स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद क्या प्रायोरिटी है, किस स्टेट की क्या प्रायोरिटी है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में 15 मई से पहले 18 से पहले हाँ कोई सप्लाई नहीं आ रही। सिंहदेव साहब जी, ये पता नहीं ये क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं, थोड़ा क्लोज करके और नजदीक लाएं, थोड़ा और नजदीक लाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पोर्टल है, हाँ मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ जी। 135 करोड़ की आबादी में 20% 45 साल से ऊपर के नागरिक मान के जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें अभी 11 करोड़ 34 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। तो आपका जो 27 करोड़ लोगों को 45 साल से ऊपर वैक्सीनेशन करना है उसी में अभी करीब 15 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन ही नहीं पहुंची है, लगी ही नहीं है। 7 करोड़ आपके वैक्सीनेशन की कैपेसिटी है, तो 7 करोड़ की वैक्सीनेशन की कैपेसिटी में केंद्र सरकार को अपनी पहली जिम्मेदारी पूरे करने में लगातार अगर करेंगे तो 2 महीने लगेंगे। आधा अगर राज्य सरकारों को देंगे तो आधा उनका कार्यक्रम जो पीछे होने वाला है, तो राज्य सरकारों को कितना कोटा मिलेगा? आप स्वयं इस बात को समझ लें, मीडिया के साथ ही यही चीज बार बार पूछ रहे हैं कि वैक्सीन ही जितनी उपलब्ध होगी, वैक्सीन फैसिलिटीज वैक्सीन साइट्स पूरा प्लान किया हुआ है। छत्तीसगढ़ उदाहरण के लिए 3,349
इसमें 7,000 वैक्सीनेटर हैं, कम से कम 100 से 120 हम वैक्सीनेशन एक दिन में कर सकते हैं, 4,00,000 तक का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अगर देश में आज जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है ये एक महीने की 24,00,000 होती है, 24,00,000 में से 12,00,000 केंद्र सरकार ले लेगी, 12,00,000 में हमारे 36-37 जो यूनियन टेरिटरीज और राज्य हैं इनको कितना देंगे? यानी एक मजाक बना दिया है और पूरा एक तरह से वातावरण भ्रम करने का बना दिया है केंद्र सरकार ने। वैक्सीन कितनी देंगे? 20,000, 25,000, 30,000 एक दिन की उपलब्ध होगी, बहुत बड़ा राज्य होगा तो 50,000। ये कैसे देश के साथ मजाक हो रहा है ये समझ के परे। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई संशय नहीं रह जाता, अब तो स्पष्ट हो गया जैनिंद, और बाकी सवाल और साथी भी पूछ रहे थे, कईयों ने भेजा है, मेरे ख्याल से अब स्पष्ट हो गया। नीरज आपका सवाल लेता हूँ अगला, उसके बाद ईटीवी रंजीता जी। नीरज जी अभी उनको नीरज सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से सवाल है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का, उसमें आपको लगता है कि ना केंद्र तैयार है ना कंपनियां तैयार हैं वैक्सीन मुहैया कराने के लिए, और क्योंकि कंपनियां नहीं तैयार हैं इसलिए राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, बीजेपी शासित हो या दूसरे राज्यों की सरकारें हो, उनके पास भी इस तरह का ढांचा नहीं है कि वो 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन मुहैया करा पाएंगी? आपको लगता है कि आपाधापी और जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है? मेरे ख्याल से सवाल का विस्तार से सबने जवाब दिया कि जो क्षमता है उत्पादन वो सीमित है, और जो 45 साल से अधिक आयु के लोग हैं केंद्र सरकार की कमिटमेंट थी कि पहले उनको दिया जाए, उनका ही बकाया है करीब 20 करोड़ वैक्सीन राज्यों को, उसके बाद जो 45 और 18 के बीच के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू होनी 1 मई से, वो अलग कोटा है। तो जैसा पिछली दफा अभी कहा उन्होंने सिंहदेव साहब ने कि उसकी वैक्सीन जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ये अफरा तफरी होगी कि किसको दिया जाए, 45 से ऊपर को दिया जाए या 18 से 45, क्योंकि जो क्षमता है वो सीमित है। और उसके बाद एक बात और ये कह रहे थे कि वैक्सीन निर्माता ने कहा है कि 15 मई तक तो वो उनके हाथ खुद ही बंद है, क्योंकि वो पहले के अनुबंध पे काम कर रहे हैं, 15 मई के बाद देखेंगे कि वो राज्यों को क्या दे पाते हैं। तो अभी एकदम ही अनिश्चितता की स्थिति है इस बात को लेकर के। मैं अगला सवाल छत्तीसगढ़ से आपसे इंडियन एक्सप्रेस से मनोज जी पूछना चाहते थे कि दूर दराज का इलाका और आदिवासी बाहुल्य राज होने के बावजूद क्या हुआ कि स्थिति ऐसे नियंत्रण से बाहर हो गई? अंग्रेजी में उन्होंने प्रश्न पूछा है, अगर जवाब दे पाए आप तो। The situation is different in different parts of the state. You mentioned tribal areas. So tribal areas are having a low incidence of positivity. And the urban areas, which are the non-tribal areas, which are more densely populated, they are having a comparatively much higher incidence of positivity. So tribal areas are showing lower positivity, and non-tribal areas are and urban areas are showing a comparatively much higher positivity. Thank you, sir. I'll move to probably the last question. Ranjita, ETV, please come in. अपना सवाल पूछ लीजिए। सर मेरा सवाल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी के लिए है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि 30 अप्रैल तक अनुमानन राज्यों में जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल तक जो मामले आएंगे एक दिन में वो 61,000 तक के मामले और राजस्थान में 55,000 तक के मामले, मतलब डबल अभी जो मामले चल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मामले जो है वो 30 अप्रैल तक आ जाएंगे। उसके लिए राज्य सरकार किस तरह से तैयार है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। रघु जी ये सही है कि जिस तरीके से केसेस में वृद्धि हो रही है ये 30 अप्रैल आते आते संख्या दुगनी भी हो सकती है, तिगुनी भी हो सकती है। पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, लेकिन हमने राजस्थान में 19 तारीख से 3 मई तक 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया है और उसको जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया है। तो जो केसेस बढ़ते हुए केसेस की संख्या है पिछले 4-5 दिनों से वो संख्या बढ़ नहीं रही है, संख्या में स्लाइटली गिरावट भी आई है,
अब उसका इम्पैक्ट हम एक दो दिन बाद और देखेंगे। मुझे लगता है कि ये जो कर्फ्यू लगाया 15 दिन का पूरे स्टेट के अंदर, और वीकली कर्फ्यू तो स्ट्रिक्टली कर्फ्यू है और बाकी 5 दिन में तो कुछ छूट दी गई है, इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। अगर हम लोग बढ़ते हुए पॉजिटिव केसेस की चेन को तोड़ पाए तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर ये चेन नहीं रुकती है तो इंतजाम जो भी हमने कर रखे हैं उनको और बढ़ाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का जो अलॉटमेंट किया भारत सरकार ने उसको उनको बढ़ाना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जो राज्यों में है, चाहे स्टील प्लांट्स में है चाहे और कोई उसमें है, उनका उपयोग मेडिकल के लिए लेना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीजें भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले रखा है, इंजेक्शन का अलॉटमेंट, ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का काम, तो राज्यों से उनको फीडबैक लेना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी से या इंजेक्शन की कमी से किसी व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हो। बाकी बेड्स बढ़ाने का काम है वो हम लोग कर रहे हैं, 1,00,000 बेड की तैयारी है, 2 भी बढ़ाने पड़े 3,00,000 भी करने पड़े। पिछली बार भी हमने क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए 1,00,000 बेड बढ़ाए थे, अभी भी हम बेड बढ़ा देंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में वो भारत सरकार को तय करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पॉजिटिव केसेस कल अगर आप देखेंगे तो 1,22,963 है, करीब 1,23,000। ये हमारा जो अनुमानित पीक था कि एक समय में 1,30,000 तक पॉजिटिव केसेस छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, वो थम गया है बल्कि कम हो रहा है। हम 1,29,000 तक पहुंच गए थे और जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसकी तुलना में जितने डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी तुलनात्मक संख्या अब बढ़ रही है, ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, या अगर बराबर भी माने तो आने वाले 30 अप्रैल तक संभावना नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 55,000-60,000 पॉजिटिव केस आएंगे, ये एक प्रोजेक्शन है। फिर भी हम लोग रैंप अप कर रहे हैं, ICU बिस्तर बढ़ा रहे हैं, फिक्की के प्रतिनिधियों से कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई है, कितने मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन फिर ड्रॉप हो गया। बहरहाल लगभग पूरी बात वो अपनी कह चुके थे, और जिस तरह से आखिर में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने बताया और TS सिंहदेव जी बता रहे थे, यही सारांश है कि क्या अपेक्षा है राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन की उपलब्धता, जिससे कि जान माल की क्षति ना हो, लोगों को बचाया जा सके। हेलो, मेरा एक छोटा क्वेश्चन था संदीप फ्रॉम वर्तमान। संदीप, आई जस्ट वांटेड टू से दैट वी विल हैव अनदर ब्रीफिंग इन अ व्हाइल एट अराउंड 3:00, रणदीप जी विल बी देयर ऑन कोरोना इटसेल्फ। नो, इट्स अ सिंपल, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन टू द स्टेट, इट विल जस्ट गो ऑन। संदीप, इफ इट इज नॉट वेरी अर्जेंट यू कैन आस्क, इट्स बीन ऑन। नो, माय क्वेश्चन इज टू द ऑल कांग्रेस गोल स्टेट्स दैट ये जो 400 और 600 रुपया गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा वैक्सीन पर डोज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट में 35,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें 50% सब्सिडी क्या नहीं देना चाहिए? हमारी डिमांड तो ये है कि सारा पैसा भारत सरकार दे, क्योंकि बजट से पहले अगर राज्यों को बोलते तो हम बजट में प्रोविजन करते, किसी भी राज्य सरकार ने सबने बजट पेश कर दिया, बजट में किसी ने प्रोविजन रखा नहीं। अब ये इतना बड़ा अमाउंट लाएंगे कहाँ से? उस सब्सिडाइज की बजाय हमारी मांग तो यही है कि भारत सरकार जब 45 से अब एज ग्रुप के लोगों करके दे रही है, वैक्सीनेट कर रही है जी, एज ग्रुप के लोगों को क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल, हाँ, हमने भी ये कहा है कई बार, हाँ, कांग्रेस के मंच से कहा है कि सबको मुफ्त दिया जाए, वन नेशन वन प्राइस हो, सरकार अगर 150 रुपए में खरीद रही है तो 150 रुपए में खरीद के सबको दे। बन्ना जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पत्रकार भाई को, बोलिए। जब चुनाव आता है बिहार का तो कहा जाता है फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीन, बिल्कुल। साल का चुनाव होता है फ्री वैक्सीनेशन, चुनाव पार होने को है या हो जाता है तो राज्य सरकार वैक्सीनेशन खुद क्रय करे। राज्य सरकार क्रय यदि करेगी तो ठीक कहा है हमारे शर्मा साहब ने कि हमने बजट में इस तरह की बातों को नहीं डाला है,
और किसी भी राज्य के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय होगा। और जबकि राज्य के कोष जो है खाली होंगे, और हमारा तो केंद्र ने वो पैसा ले लिया है जो पैसा कभी लिया नहीं जाता है, आरबीआई से डायरेक्ट एक एग्रीमेंट झारखंड सरकार, पूर्ववर्ती झारखंड सरकार और वर्तमान केंद्र सरकार ने किया है, और 5,000 करोड़ रुपया हमारा डीबीसी का ले लिया है। तो आप एक चीज सोचिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी एक ऐसा बड़ा चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं उदारता महानता का, कि लग रहा है कि नहीं देश के यही जो है महापुरुष आ गए। तो जब मैं ये जरूर कहूंगा पत्रकार भाई आपसे कि वो बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्लानिंग किया, चुनाव बंगाल में था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भेष धर लिया। तो उनको तो ये भी भेष धरना चाहिए था कि कैसे ये कोरोना जो है फिर इसका दूसरा चक्र कैसे आएगा, तीसरे चक्र की क्या तैयारी होगी, कहां से ऑक्सीजन आएगा। जब वो हमारे पंत प्रधान है तो हमारी सारी दायित्व भी तो उनके माथे पर है। जब वो दुनिया के देशों को रेमडेसिविर बांट रहे हैं, वैक्सीनेशन की शिविर बांट रहे हैं, तो दुनिया के देशों से आयात करके हिंदुस्तान के लोगों की जान बचाने के लिए जब मंजिल करीब है तब पांव फिसल रहा है। प्रधानमंत्री जी इसी समय पांव मजबूत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट, थैंक यू। मैं आखिर में धन्यवाद करना चाहूंगा सर। एक मिनट, थैंक यू साहब जी। सर ऐसे है, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, चाहे 2019 का इलेक्शन था, उस टाइम रातों रात हजारों करोड़ रुपया लोगों के खाते में डाल दिया गया कि आपको 2,000 रुपया आपको दे दिया गया। क्या अब जब उन लोगों के ऊपर आपदा आई है, सुनामी आई है, हमारे बजट में हमने प्रोविजन नहीं की जैसे रघु जी ने बोला है, तो क्या इसको सुनामी नहीं समझते वो लोग? अब वो 2,000 रुपया नहीं डाल सकते अकाउंट में। और दूसरी बात, मेरे पास एक पीजी से एक हिस्ट्री पड़ी है मेरे पास, कि उन्होंने रेमडेसिविर के लिए मेरे को रिक्वेस्ट भेजी कि हमारा पेशेंट वहां पे उसको घुट रहा है, तो आप रेमडेसिविर इंतजाम करके कीजिए। ये पीजी का हाल है हमारे चंडीगढ़ वाला पीजी है। तो क्या ये प्रधानमंत्री साहब ये चीज नहीं देखते भी आज की डेट में आदमी की जान की अहमियत क्या है? अब उस टाइम तो हजारों करोड़ रुपए आपको रातों रात इतने करोड़ रुपए खाते में डाल दिया, अब जब लोगों को जरूरत पड़ी है असल चीज की उस टाइम वो भाग रहे हैं। धन्यवाद बलबीर सिंह सिद्धू जी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय टी एस सिंह देव साहब, आदरणीय रघु शर्मा जी, आदरणीय बन्ना गुप्ता जी। जल्दी फिर एक नए विषय के साथ आप सबको फिर आमंत्रित करूंगा। आज क्षमा चाहता हूं, जो लोग प्रश्न नहीं पूछ पाए उनको फिर मौका दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब और लिस्ट प्रणव जी को दे दीजिए, हमें मिल जाएगा। दिल्ली में 22,933 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 10,27,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वायरस से प्रभावित 9,18,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 21,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जबकि 350 मौतें हुई हैं। कोरोना से अब तक 14,248 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 94,592 है। संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 69,000 से अधिक लोगों को कोविड निवारक टीका लगाया गया है। इसके साथ ही अब तक 29,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। थैंक यू प्रशांत। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस लाइव द लॉन्चिंग ऑफ आईएनसी टीवी। आई ऑन बिहाफ ऑफ एआईसीसी कम्युनिकेशंस टीम वेलकम यू ऑल टू द शो। मैं अपने पत्रकार मित्रों और वरिष्ठ नेताओं का आईएनसी टीवी लॉन्च में स्वागत करता हूं।
आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज 24 अप्रैल है जिसे हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। लॉन्चिंग के लिए हमने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि ये हमारी श्रद्धांजलि है हमारे दिवंगत नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को। मित्रों, इस लॉन्च के मौके पर हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ नेता महासचिव प्रभारी संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष एवं इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन श्री पवन कुमार बंसल जी, महासचिव एवं मीडिया के पूर्व चेयरमैन श्री अजय माकन जी। आप सब जानते हैं कि वर्तमान प्रभारी कोविड संक्रमित होने की वजह से आज हमारे पास साथ शामिल नहीं है, पर वो स्वस्थ है और बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हमारे साथ हैं सोशल मीडिया के चेयरपर्सन श्री रोहन गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा जी, एवं मैंने आग्रह किया था, निवेदन किया था अग्रिम संगठन के महासचिव संगठन युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी का, मेरे ख्याल से वो भी ज्वाइन करते होंगे। ज्वाइन कर चुके हैं भाई। कर चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत व्यस्त रहते हैं, मैंने उन्हें आग्रह किया था विशेष रूप से आने के लिए, आजकल वो मीडिया स्टार भी बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह जी, जो टीवी के व्यक्ति हैं, जो टीवी से संसर्ग रखने वाले लोग हैं, वो सब उनसे परिचित हैं। आयन सिंह टीवी का संचालन इनकी निगरानी में होगा, आपको आगे और मौका मिलेगा इनसे रूबरू होने का, इनसे बातचीत करने का। आई वुड लाइक टू टेक दिस ओकेजन टू स्पेशली मेंशन माय कोलीग्स श्री डॉक्टर विनीत पुनिया जी, संजीव सिंह जी, राधिका जी, प्रशांत जी, ऋषि यादव एट यूट्यूब, गीतिका फॉर क्रिएटिंग एवरीडे वीडियोज, एंड द इनविजिबल सोशल मीडिया टीम हु मेक इट एवरीडे पॉसिबल एंड यू मेक द शो गो ऑन। दिस इज अ स्पेशल डे, सो जस्ट वांटेड टू थैंक यू ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर आई रिक्वेस्ट श्री वेणुगोपाल जी टू लॉन्च द चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू स्पीक briefly on the role of media, since a lot of people ask, sir, why did we need to start a YouTube channel? Over to you, sir. Thank you, Pranab. Pawan Kumar Bansal ji, Ajay Makhan ji, Pawan Kera ji, Rohan Gupta ji, Srinivas ji, of course Pranab ja and his team of communication department and media friends. I would like to welcome all of you in this auspicious occasion. Hope you all are safe and secure during this difficult period. I know that some of the media friends are also tested COVID positive. They are under treatment. I wish to pray all of them for a speedy recovery. It is a pleasure for being a part of in this incredible project of INC TV. YouTube. The INC TV YouTube is being launched today on the National Panchayati Raj Day. Here already Pranav pointed out the relevance of the Panchayati Raj today. Whenever we are talking about the Panchayati Raj, whenever we are talking about the grassroots level democracy of our country, we cannot go with that without remembering the name of Rajiv Gandhiji, the man who has given the idea of strengthening the grassroots level democracy in our country. While we are seeing the 50% more than 50% of the women folk, women people representative in the Panchayat Raj system, definitely, sincerely, we have to remember the name of Rajiv Gandhiji. That much contribution he has been given to the women representation in the Panchayat Raj system. While speaking about the relevance of social media platforms, like this, we should also make an evaluation on our present media. I must say that the past 7 years, the distinct line between the government and media has increasingly blurred. We had a media which actually, as a corrective force to the government and entire polity, but now what we are witnessing, a section of media is totally shielding the failure of the government in the day. A predominant section of the media, instead of questioning the government, is acting as a spokesperson of the government. And you know,
the predominant section tries their best in shielding the government instead of questioning the failure and the anti-people policies of the government. Even during the pandemic, we see a section of media forget their prime duty of asking questions to the government in power. The incompetence of the central government in dealing with COVID is very much evident everywhere. The government wasted the precious time. Now people are dying due to the lack of oxygen and medicines. And there is a lot of shortage of ICU beds in the country. The situation in our national capital is also very much alarming. Day by day it is increasing. The government did not care for strengthening health infrastructure at all. Due to the shortage of ICU beds, oxygen cylinders, people are dying. Even in the vaccination policy itself, the government allowed a discriminatory stance. The government could not provide free vaccine for the people. Moreover, they facilitated different pricing for vaccines. One price for central government, another price for state government, and that's another price for the private players also. Actually, this created clear discrimination among the people of the country. Even after this evident incompetence and failure in all fronts, what our media is doing, section of the media is doing, media is actually afraid of asking questions to the government. They are trying to cover up this incompetence. The role of the media is to correct the government when wherever there is a failure is there. But now, unfortunately, we are not seeing such corrections in the media space. Media plays a divisive role, creating public opinion. They act as a mirror to the government, actually. Asking questions and make the government accountable is the prime objective of a responsible media. Media has been voice of the voiceless. This is the fourth pillar of the democracy. But today, a section of the media gets thrilled in protecting the powerful instead of giving voice to the voiceless. The Congress Party believes that media should be the voice of the people, voice of the voiceless. INC TV YouTube channel is aimed to be one such platform where we can put the voice and issues of common people with honesty and simplicity. Congress Party always believed media to be the fourth pillar of the democracy. It was always expected to support those in opposition so as to maintain equilibrium between those in power and those in opposition. Congress Party wishes to facilitate and cater to this craving for pure and untarnished news desired by a large section of people through INC TV. For our viewers and media friends, it will be your news source. It will be your archive. It will be your resource hub. Come and partake it, for it's meant purely to enrich you, empower you, so what you know the truth and nothing but truth, so that you can make informed choices and seek accountability from those in power. I would like to congratulate our entire communication team, those who are behind this YouTube channel. I think definitely INC TV YouTube channel will provide maximum information, true and correct information to the people of the country. Thank you for being part of this journey for the truth. Jai Hind. Namaskar. Thank you, sir. Now I would request you to play the opening montage. Yes.